हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नैनीज टेस्टी रेसिपीज़। सो आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी साबूदाने की खीर, वो भी बहुत टेस्टी और डिलीशियस। तो चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये है एक कटोरी साबूदाना, ये मैंने 10 से 15 मिनट तक भिगो कर रखा था, अभी भिगोने के बाद सोक करने के बाद रखा है। ये है कुछ घिसा हुआ, मैंने नारियल घिसा हुआ है, और ये कार्डमम है यानी कि इलायची, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें वॉलनट्स एंड आमंड्स एंड पिस्ता है, और ये आधा कटोरी शुगर यानी चीनी है, और ये एक बाउल में दूध है। इन सब इंग्रेडिएंट से देखिएगा मैं कैसे एक टेस्टी और एक हेल्दी साबूदाने की खीर जो हम लोग व्रत में या किसी पर्व में बनाते हैं और इसके मज़े लेते हैं, वो कैसे इजीली बिना चिपके हुए और ये टेस्टी और इतने छोटे और कम समय में कैसे बनाकर रेडी करके दिखाती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैंने ये घी ले लिया है, ये जो हमने चॉप करी हुई जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे हम इस तरह से, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भून लेंगे क्योंकि इसका यूज हम खीर बनाने के में करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है हमारी साबूदाने की जो खीर होती है ना वो चिपक जाती है कुछ लोगों की, बिगनर्स की, तो ना चिपके इसके लिए आप क्या कीजिए, जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं खीर उस बर्तन में इस तरह से हल्का हल्का या तो ऑयल डाल दें या ऑयल ग्रीस कर दें चारों तरफ जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं, उसके बाद उसमें साबूदाना डालें क्योंकि उसमें घी का वैसे भी टेक्स्चर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो डालने के बाद उसको फ्राई करें और उसके बाद जाके उसमें दूध और सब कुछ ऐड करें तो आपकी खीर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। ये बहुत ही अच्छी खास ट्रिक है। इसको हल्का हल्का हम सॉटे कर देंगे इस तरह से। इसको हल्का हल्का भुनने के बाद हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे बाउल में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अब ले ली है सारी ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके इसके अंदर। अब हम ये एक कटोरी जो हमारा साबूदाना है उसको इस बचे हुए घी में तल लेंगे। इस तरह से इसको फ्राई कर लेंगे तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकेगी। थोड़ा जल्दी जल्दी फ्राई कीजिएगा ताकि ये नीचे चिपक ना पाए और सारी घी में हो जाए। अभी घी मिक्स होने के बाद अभी नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर ये अपना एक बाउल जो हमने मिल्क लिया है उसको ऐड कर देंगे इस तरह से। और ध्यान रखिएगा ये जो दूध है ना, ये मैंने पहले इसमें एक उबाला दिया हुआ है यानी बॉईल किया हुआ है। हमेशा साबूदाने की खीर में जो आप मिल्क है उसको बॉईल करके ही डालिएगा, कच्चा दूध मत डालिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें इस तरह से धीरे धीरे उबाल आता चला जाएगा। आप इसको जैसे भी गाढ़ी करना चाहे गाढ़ी कर लें, बिल्कुल पतली लेना चाहे यूज़ में तो पतली ले सकते हैं यूज़ में, बट थोड़ा सा इसको पहले दूध को हम पकाएंगे। आप चाहें तो इसके अंदर जो कार्डमम होती है इलायची उसके भी जो पाउडर आता है उसको भी पाउडर को डाल सकते हैं, उसकी अलग ही फ्रेशनेस होती है इसके अंदर। ये देखिए हमारा बिल्कुल भी साबूदाना भी चिपका नहीं है नीचे। इसको धीरे धीरे और अभी हम पकने देंगे। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आ रहा है इसका, बाहर साबूदाना भी दिख रहा है और दूध भी मिक्स होता दिख रहा है। इसके अंदर जो छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स दिख रहे होंगे वो मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें नारियल जो था अपना गोला होता है वो घिस के डाला हुआ था, ये उसके पार्टिकल्स हैं। इस ट्रिक से आप अगर साबूदाने की खीर बनाएंगे आपकी खीर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी ना ही जलेगी और इंस्टेंटली बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स कितना दूध था और ये पककर अभी कम हो चुका है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी जैसे मैंने पहले बोला था टेस्ट कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ी सी ना गाढ़ी जो होती है, मतलब थोड़ी सी गाढ़ी
जैसे अपनी रबड़ी होती है ना, उस टाइप की खीर मुझे पसंद है, इसलिए मैं इसको थोड़ा और पका रही हूँ। वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा आपको कितनी ज़्यादा पकी हुई या ज़्यादा ज़्यादा थिक या बिल्कुल ही रनी यानी पतली पसंद है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये और कितने अच्छे से पक रही है। एक बार और आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये नीचे बिल्कुल भी नहीं जली है, एज इट इज़ ऐसी की ऐसी है। बस जो ट्रिक बताई है आपको घी की, एक बार वो करके देखिएगा, गारंटीड ये नीचे नहीं चिपकेगी। सो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारी बिल्कुल पक्कर रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर मिलाएंगे ये हाफ कटोरी शुगर यानी चीनी। आप अपने अकॉर्डिंग चीनी मिलाइएगा जितना आपको मिलानी है इसके अंदर। आप चाहें तो इसमें खांड का, जो देसी खांड आती है नेचुरल स्वीटनर, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो जैगरी यानी गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। बट गुड़ जो है आप इसमें डायरेक्ट मत डालिएगा। आप किस तरह से डालिएगा, थोड़ा सा गुड़ लेके उसको गर्म पानी में उसका सिरप बना लीजिएगा, और जब वो सिरप बन जाए तो ये गैस बंद करके जब रेडी हो जाए उसके बाद इसमें सिरप डालिएगा। अगर आप बनती बनती में गुड़ डालेंगे तो आपकी खीर फट सकती है, इसलिए इसके बनने के बाद आप जैगरी का यानी गुड़ का सिरप डालेंगे तो नेचुरल स्वीटनर है। कुछ लोग शुगर नहीं खाते हैं, उनके लिए मैंने ट्रिक बताई है। अब इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, वो है ये नारियल। थोड़ा सा मैं इसको ना पहले ही अंदर मिक्स कर देती हूँ इसके, ताकि इसके अंदर एक अलग ही इसका खाते टाइम टेक्सचर, अलग ही टेस्ट आए। अब हम इसके अंदर ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई की थी घी में, इसको भी ऐड कर देंगे। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है और बिल्कुल भी चिपकी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और देखिए किस तरह से इतनी गाढ़ी थिक बनी है। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी साबूदाने की ड्राई फ्रूट्स वाली टेस्टी खीर बनकर रेडी हो चुकी है, रेडी टू ईट है। इसे आप नवरात्रि के व्रत में बनाकर खा सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।